टाइम ब्रश करें, मतलब रात सोने से पहले लास्ट थिंग मुझे आखिरी काम जो है वो ब्रश करते सोए। और दूसरा सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के बाद, ज़्यादातर एक मिसकनसेप्शन हमारी कि हम नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं और क्या होता है फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद ब्रश नहीं करते, फिर पूरा दिन और कैविटी जो हमारी वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के सामने हम पेश करते थे। आँखों की एलर्जी या सुर्खी जो इस मौसम में हो जाती है यूजली मौसमी होती है, लोग बाहर घूमते रहते हैं इतनी धूप में और मिट्टी और बहुत सारे ज़रात आँखों में जाते हैं तो इस वजह से वो फिर वो एलर्जी शुरू हो जाती है। हमारे अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करने को यूँ कह लें कि गुनाह समझते हैं या अपनी तौहीन समझते हैं, ये यूँ समझते हैं कि लोग उनको पागल ना कह दें। तो ये एक खौफ मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ माशरे के 70-80% लोग हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि डिप्रेशन का शिकार तो होते हैं, जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार तो हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना तो नो डाउट एक पेंडेमिक हो गया है और पाकिस्तान पर भी असरअंदाज हुआ है और हमारे हमसाया मुल्क में भी असरअंदाज हुआ है। अल्लाह का करम ये है कि हमारे मुल्क में वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई जो हमारे हमसाया मुल्क में पैदा हुई है, ये अल्लाह का ख़ास करम हुआ है। इम्तिहान में तो हम हैं लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है कि वो रेशो हमें नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ ऑनलाइन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया बुखारी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा गिलानी, इनसे मालूम करेंगे कि कोरोना की वजह से किस तरह से इंसानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सुकून भी लोगों का मुतासिर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं एन न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर कुछ सवालात के जवाब दे सकूँ। जैसा कि आपने सवाल किया कि मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, तो मेंटल डिसऑर्डर कोई भी ऐसी आपकी कोई भी ऐसा रिएक्शन या आपकी कोई भी ऐसी हैबिट या आपका कोई भी ऐसा एटीट्यूड जो कि आपकी ज़िंदगी के मामलात या ज़िंदगी के जो ऑर्डर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है, वो मेंटल डिसऑर्डर में आता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है या आपको भूख नहीं लग रही या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर पैदा हो रहा है या फिर आप बिल्कुल ही पोलाइट हैं, आप या तो आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या आप बहुत कम बोलते हैं या आप बोलना पसंद नहीं करते और तन्हाई जो है उसको पसंद करते हैं और तन्हा रहना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब करती हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर में आती हैं। तो किसी भी किस्म का ऐसा रिएक्शन या किसी भी किस्म की ऐसी आपकी हैबिट जो कि बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम मिकदार में हो, जो कि न्यूट्रल ना हो, नॉर्मल ना हो, वो मेंटल डिसऑर्डर में आता है। जी जी डॉक्टर साहब, डिप्रेशन जो है इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, डिप्रेशन पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। डिप्रेशन का 90% लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान के डिप्रेशन का शिकार हैं और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम लोग कोरोना की वजह से, जैसे बहुत से लोग हैं उनके अपनी मौशी हालात उनके अच्छे नहीं हैं और बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं और तलबा के कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं जिसकी वजह से वो घर में कैद होकर रह गए हैं, कारोबार नहीं है, तो लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है, लेकिन ये कोई हल नहीं है कि हम घर बैठकर नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके आएँ और उससे हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएँ। बजाय इसके कि आप घर बैठ कर डिप्रेशन का शिकार हों, आपको चाहिए कि आप अपने आप को किसी भी मशगले में मसरूफ़ कर लें। जैसे आपके डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की, या अगर मैं वर्कर्स की बात करूं या मैं अगर किसी बिजनेसमैन की या किसी की भी बात करूं जो कि प्रोफेशनली काम कर रहा है या जो कि स्टूडेंट है या जो जो कि घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, बहुत से ऐसे
मुश्किलें हैं आजकल, ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन दौर है, आप कुछ भी मोबाइल्स के ज़रिए, आप लैपटॉप्स के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए कुछ भी घर बैठे सीख सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें जो कि आगे आपके काम भी आ सकती हैं। इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारा कुछ सीख भी सकते हैं। आप अपने स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो आप उनको पॉलिश कर सकते हैं, आप उनको जो है वो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन बहुत सारे लोग इंटरनेट पे यूट्यूब पर अपने उन्होंने शोज़ जो हैं वो स्टार्ट किए, अपने चैनल्स का आगाज कर लिया, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ बैठें और अपनी फैमिली के साथ बातचीत करें, रिक्रेशन करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके डिप्रेशन को दूर करती हैं। जी डॉक्टर साहबा, आपने अभी बात की नेगेटिव थाट्स की, तो मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि नेगेटिव थाट्स किस तरह से आपकी शख्सियत पर असर करते हैं। नेगेटिव थॉट्स बहुत बुरी तरह से आपकी शख्सियत को मुतासिर करते हैं। इस तरह जैसे अगर कोई शख्स है वो नेगेटिव थॉट्स अगर उसके माइंड में आ रही हैं तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को पूरी तरह से एनालाइज करे और उसकी रीज़न को ढूंढने की कोशिश करे कि उसके पीछे क्या वजूहात हैं। अगर वो कहीं पर बैठा है अपने फ्रेंड के साथ, या मेल है या फीमेल है, जो भी है, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो वहाँ पर अगर उनकी बातचीत के दौरान वो उनके बारे में कुछ नेगेटिव ख्याल अल्लात उसके जहन में आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि उसकी क्या वजह है। जब उसकी वजह को तलाश करने की कोशिश करेंगे और आप जो हैं वो ये अपने अंदर इस चीज़ को तलाश करेंगे कि उसकी क्या वजह है, जब तक आप उसकी वजह नहीं ढूँढेंगे आप उसका हल नहीं निकाल सकते, आप उसको उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने इमोशंस को सप्रेस करने लग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी नेगेटिव वाइब्स को बाहर नहीं आने देते, उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है वो मेंटली कहीं और होते हैं, फिजिकली कहीं और होते हैं, और वो उस चीज़ को जो है वो एनालाइज ही नहीं कर पाते, जो कि फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है और वो फिर स्वयं डिप्रेशन और स्वयं एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से फिर आपकी शख्सियत को इस कदर मुतासर करती है कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ भी आपके सामने रखी जाए तो वो आपको नेगेटिव उसके अंदर से वाइब्स आ रही होती हैं, और फिर इस तरह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और आपकी जो है वो आपकी स्टूडेंट लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को बुरी तरह से मुतासिर करता है। तो नेगेटिव वाइब से अपने आप को दूर रखें। अगर आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो आप उसको खुद एनालाइज करें बैठ कर, उसकी वजह को ख़त्म करें और कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें हमेशा। तो अगर आप थिंक पॉजिटिव करेंगे तो आप डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव। अगर आप जो है वो नेगेटिव वाइब्स अंदर पैदा करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ें होने लगेंगी। जैसे अगर मैं अपनी मेंटली बात करूं अपनी ज़हनियत की, तो इंसानी ज़हनियत में ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से होता है। जैसे अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ गलत ही होना है तो फिर आपके साथ गलत ही होगा। हमेशा अगर किसी भी परेशानी का शिकार भी हैं, अगर किसी मुश्किल में भी हैं, तो अल्लाह से उम्मीद लाजमी रखें। मुसलमान होने के नाते हम लोगों पर यह फ़र्ज़ है कि हम अकीदा अपना पुख्ता रखें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अगर कुछ हो भी रहा है तो वो वक्ती तौर पर हमारी आजमाइश है और वो इंशाल्लाह ज़रूर हल होगी और हम पर अच्छा वक्त भी आएगा। जब आप ये सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर कभी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा नहीं होंगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा कामयाब रहेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, ये नेगेटिव थॉट्स पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कि मैंने अभी बात की है कि नेगेटिव थॉट्स पर काबू करने का एक यही जरिया है कि एक यही उसकी आप यूं कह लें कि एक उसका यही ट्रीटमेंट है या एक यही मैं आपको बताऊं वे है कि आप जो है वो अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप अपने आप को डिफरेंट किस्म की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें, आप अपने आप को फारिग ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप सारा दिन फारिग बैठे रहेंगे, अपने आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिक्रेशन नहीं करते, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते, तो उसकी क्या वजह होती है कि वो एक तो फिर जब तन्हा रहेंगे आप, जब आप अपनी जो इमोशंस हैं उनको सप्रेस करते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसका ये रिज़ल्ट आता है कि आप जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप फिर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन आपका स्वयं होता फिर आप यूँ कह लें कि आप ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं।
जी, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो घर में आसानी से की जाए और उससे डिप्रेशन दूर हो सके? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम आसानी से घर में कर सकते हैं। उसमें से एक अगर मैं बात करूं, अगर आपको डिप्रेशन है या फिर अगर आप एग्रेशन में हैं, तो बहुत अच्छी टेक्निक जो है उसको हम डीप ब्रीथिंग का नाम देते हैं कि अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आप बहुत हद तक आप डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। और डीप ब्रीथिंग करने का जो तरीका है वो मैं आज यहाँ पर जो भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं मैं उनसे शेयर करना चाहूँगी, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करने से घबराते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट को विज़िट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं करते, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। यकीनन आप लोगों को ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और आपके डिप्रेशन को हर तरह से दूर करेगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेयर करूँगी अगर डीप ब्रीथिंग किस तरह से करते हैं। अगर आप अपने घर में हैं या कहीं पर भी हैं, तो आप अपने ऑफिस एरिया में हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको एग्रेशन हो रहा है, अगर आपको बहुत सारे किस्म का डिप्रेशन हो रहा है, तो आपने अपने रूम की लाइट्स थोड़ी देर के लिए डिम कर दें, ऑफ़ कर दें, और आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर, जैसे आज मैं यहाँ पर चेयर में मौजूद हूँ, तो आप किसी भी, कोई भी आपके चेयर मौजूद है, कोई भी आपके पास सोफ़ा है जहाँ पर आप रिलैक्स होकर बैठ सकें, आप वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर बैठेंगे और आपने हाथ अपने बिल्कुल इस तरह से अपने थाइस पर रखने हैं और आपने बिल्कुल अपनी जो आपकी वेस्ट है, जी बिल्कुल, आपने बैक कर लेनी है, ठीक है, और आपने आँखें अपनी बंद करके आप डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग मीन्स कि आप अगर आपने लंबे सांस लेने हैं, ठीक है, आप मुंह के ज़रिए से सांस लेकर नोज़ के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर नोज़ के थ्रू लेकर आप माउथ के ज़रिए एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। जब आप ये डीप ब्रीथिंग 10 मिनट्स के लिए करेंगे तो आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं और डिप्रेशन हर तरह से आपके जो है वो दूर हो जाता है। ये एक आसान टेक्निक है जो हर कोई ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डिप्रेशन की अलामत क्या हैं? क्या हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है ये डिप्रेशन का शिकार है? क्या उसकी ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट होंगी या उसकी क्या होंगी वजूहात, ये मुझे बताओ। डिप्रेशन की बहुत सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आप आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके कोई फैमिली में से, आप उसका बिहेवियर बहुत, एक तो आप नॉर्मल बिहेवियर होता है, आप उसका बिहेवियर एबनॉर्मल महसूस करेंगे, एबनॉर्मल इस तरह से कि आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का महसूस करेंगे। कोई शख्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा शौक है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला है, लेकिन अगर वो जो है वो बहुत संजीदा रहने लग गया है या खुद को बहुत तन्हा रखता है, या कुछ दूसरी तरफ मैं ऐसी बात करूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है, और या फिर अगर आपको हफ्तों भूख ही नहीं लगती, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हैंगिंग करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा आउटिंग के शौकीन हो गए हैं, या फिर आप बिल्कुल ही हर वक्त अपने आप को घर में रहना और घर में रखना पसंद करते हैं, आप फैमिली के साथ हैंगिंग सही करते, आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, या फिर बहुत ज़्यादा आपके अंदर चिड़चिड़ापन, बगैर किसी वजह के आप गुस्सा करने लग गए हैं, बगैर किसी बात के आप नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर, बाजू का रोना भी शुरू कर देते हैं कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे, बिल्कुल ऐसे ही है, आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर बात पर आप इमोशनल होना बहुत अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा इमोशनल किसी भी चीज़ का ज़्यादा मिकदार में होना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, जो है वो नुकसानदेह। जैसे अगर मैं जिस्मानी सेहत की बात करूँ तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनकी अगर मिकदार ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, तो वो भी नुकसान देती है। अगर हॉर्मोन्स की जो क्वान्टिटी है, क्वालिटी, वो कम हो जाए तो भी वो नुकसान देती है। तो अगर इसी तरह से हमारी मेंटली भी जो हमारी हेल्थ है वो भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। हमारी मेंटल हेल्थ में भी जो सेल या जो न्यूरॉन्स होते हैं अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, हम बिला वजह रो रहे हैं, हम बिला वजह हंस रहे हैं, तो ये सब जो है वो आपकी मेंटल डिसऑर्डर में आता है। रोना बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए रोना भी बहुत ज़रूरी है, इंसानी सेहत के लिए, एक तंदुरुस्त जिस्म के लिए, एक तवाना जिस्म के लिए रोना भी ज़रूरी है और हंसना भी ज़रूरी है। और इनफैक्ट साइंस की अगर मैं कहूँ कि साइंस ने जो तहकीक की है उसके अकॉर्डिंग 24 आवर्स में एक इंसान के लिए 30 मिनट्स जो है वो हंसना या खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे उसके लिए आप
आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें या फिर बहुत अच्छा तरीका आप कोई कॉमेडी शो देख लें, आप कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे आप जो है वो हर तरह से रिलैक्स फील करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का एक्सेस वे में होना वो आपके मेंटल डिसऑर्डर में आता है। उसमें ये होता है कि आप फिर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हैं या आप एंजाइटी का शिकार हैं या फिर उसके अलावा कोई भी अलग मेंटल डिसऑर्डर है जो कि आपके अंदर पैदा हो रहा है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। की वजह से जिस तरह से लोग अपने घरों में रह रहे के डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, ना उनके बिजनेस हैं ना कोई कारोबार है, सारी जहनी अजियतें मर्दों के साथ साथ खवातीन को भी साथ साथ लागू हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से ये मालूम करेंगे कोरोना के वबा के दौरान बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? कोरोना वबा के दौरान बहुत से लोग ना सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हुए हैं बल्कि बहुत सारी ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स और बहुत सारी ऐसे जहनी इमराज उनके अंदर पाए गए हैं। और हम लोगों के क्लिनिक्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग और बहुत सारे ऐसे मरीज़ हम लोगों के पास आए हैं जिनकी डिप्रेशन की वजह या जिनकी एग्रेशन की एनजाइटी की वजह जो है वो कोरोना है। वो इस वजह से है कि कोरोना ने जिस्मानी सेहत को तो मुतासर किया है लेकिन उसके साथ साथ उसने ज़हनी सेहत को इस तरह से मुतासिर किया कि कुछ लोग खौफ का शिकार हो गए कोरोना वबा से कि कहीं ये वबा हमें ना हो जाए, कहीं हमारी फैमिली में ना किसी को हो जाए, कहीं हम जो पेरेंट्स हैं वो इस बात से खौफज़दा हैं कि ये हमारे बच्चों को ना हो जाए या उनकी फैमिली में अगर किसी की डेथ हो गई है या खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोरोना हो गया है या किसी उनके मोहल्ले में अगर किसी को हो गया है तो वो अजीब से खौफ का शिकार होता है। वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो अब जो है वो कमरे से बाहर नहीं है, बच्चों को उन्होंने कैद, तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं कि अगर आप घर में हैं महफूज हैं, अगर आप SOPs का ख्याल रख रहे हैं, वो सारा चीज़ें, लेकिन हद से ज़्यादा इस खौफ को अपने ऊपर तारी कर लेना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आपकी ज़हनी सेहत को पूरी तरह मुतासिर करता है। और कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार इस तरह से हुए हैं कि जैसे आपको पता है कि कारोबार बहुत हद तक मुतासिर हुए हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, वो फाइनेंशली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहे, फाइनेंशली वो परेशान हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम पूरी तरह मुतासिर हो रही है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स बंद हैं, उनकी तालीम के हर्ज तो हो रहा है, उसके साथ साथ वो फारिग हैं, वो अपने टाइम का किसी तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जैसे आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम में कुछ खास पढ़ाई नहीं है, कुछ खास पढ़ाई का कुछ खास टाइम नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि हमने किस वक्त कौन सा काम करना है। हम जो है वो अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उन सबको ये मशवरा दूंगी कि बजाय अपना घर में बैठकर अपने ऊपर आप खौफ तारी करें या आप डिप्रेशन का शिकार हों या आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को पैदा करें या आप अपने अंदर एंजाइटी को पैदा करें, बिला वजह एग्रेशन का शिकार हो जाएं, उससे बेहतर ये है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, अपने टाइम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करें ताकि आप उससे इस्तेफादा उठा सकें। घर बैठ कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खवातीन जो है वो कुकिंग शोज कर सकती हैं, कुछ भी आप सिलाई कढ़ाई कुछ भी जो भी आपका जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो सीखी जा सकती हैं। उसके साथ साथ अगर मैं तलबा की बात करूं तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। स्टडी के साथ साथ स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बजाय इसके कि आप अपने माइंड को नेगेटिव थाट्स की तरफ लेकर जाएँ, आप पॉजिटिव अपने लिए सोचें। ठीक है कोरोना वबा है लेकिन हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए इसमें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करें और अल्लाह ताला से मफ़रत मांगें और उससे ये दुआ करें कि मुल्क पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से इस वबा को दूर करें और हम सबको महफूज रखें। और यकीनन ये हमारे लिए आजमाइश है लेकिन वक्त के साथ इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, नॉर्मल हो रही हैं, तो हमारी सेहत भी इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए और इस वबा से हम सबको महफूज रखे, आमीन। क्या एग्रेशन की सबसे बड़ी वजह भी डिप्रेशन ही होती है? एग्रेशन जो है, अगर मैं एग्रेशन की बात करूँ, एग्रेशन होता है बिला वजह गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन जो है अपने अंदर पैदा करना और बिला वजह चिल्लाना चीखना, ये सारा कुछ एग्रेशन में आता है। तो इसकी वजह डिप्रेशन तो है लेकिन उसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे बहुत सारी वजूहात इस तरह हैं कि कुछ लोगों की नेचर में होता है कि वो अपनी बात उन्होंने मनवानी होती है। कुछ लोग शुरू से ही, जैसे अगर मैं बच्चों की बात करूँ, कुछ बच्चे अपने घर के बहुत लाडले होते हैं, तो अगर उनके खिलाफ कोई बात हो जाए या जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह ना हो कि कोई उनके जैसे वो जिद करते हैं कोई टॉय वगैरह लेने के लिए, बिल्कुल ऐसे उनकी बच्चों की जिद पूरी ना हो, या अगर मैं किसी मैच्योर बंदे की बात करूं, किसी मैच्योर शख्स की बात करूं, तो जो वो सोच रहा है उसके थॉट्स के अगेंस्ट अगर कोई काम हो जाए तो उस पर उसको गुस्सा आ जाता है। अगर आप
आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो काम गलत हो गया है, आपने कुछ चीज़ ट्राई की उसमें आप फेल हो गए, तो उसमें आपको एग्रेशन हो रहा है। अगर आप कुछ लोगों को ये होता है कि कुछ लोगों को रिक्रिएशन का बहुत शौक होता है, कुछ लोग घर में रहने से परेशान होते हैं क्योंकि उनके डेली रूटीन है कि बाहर निकलना है और उनका बाहर दिन गुजरता है, फिर जब वो घर में रहते हैं तो वो एग्रेशन का शिकार और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो नो डाउट कि एग्रेशन की जो मेन वजह है वो डिप्रेशन है, लेकिन उसके साथ साथ आपका बिहेवियर जो है वो एग्रेशन का बाइस बनता है कि आपका बिहेवियर किस किस्म का है, आप किस तरह चीज़ों को लेते हैं। इन्वायरमेंट जो है इंसान का, वो इंसानी दिमाग पर किस तरह से असरअंदाज होता है? इन्वायरमेंट में कहती हूँ कि 99% मेंटली जो है वो आपको रिलैक्स फील करवाता है और आपकी जहनी सेहत पर 99% जो है वो असरअंदाज करता है। इस तरह से होता है कि अगर हम जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, तो हम उनको ये मशवरा देते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें। वो अपने इन्वायरमेंट को जब चेंज करते हैं तो आप जब अपना इन्वायरमेंट चेंज करते हैं तो पीछे जो आपकी जो भी परेशानी, जो भी डिप्रेशन, जो भी बातें जो आपको आपको हर्ट कर रही हैं, ये जो आपको डिप्रेशन दे रही हैं, जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, ये जो आपके अंदर एंजाइटी पैदा कर रही हैं, वो तमाम चीज़ें हम पीछे छोड़ आते हैं। और जब हम और अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिनको हम विज़िट करते हैं, जैसे कश्मीर साइड की मैं बात करूँ, नारायण का घाट बहुत खूबसूरत, जब हम वहाँ पर जाते हैं, जब हम ब्यूटी को देखते हैं, नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कुदरती ये अमल है कि हमारी जो हम रिलैक्स फील करते हैं। अगर हम मॉर्निंग वॉक पर भी चले जाएं तो हम एक अलग से किस्म का हमारे अंदर सुकून महसूस हो रहा होता है, वो हम हमारी फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखता है, वो एक्सरसाइज हमें परफेक्ट रखती हैं, हमारी बॉडी को फिट रखती है, उसके साथ साथ हमारी माइंड को भी जो है वो फिट एंड हेल्दी रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, आपको रिक्रिएशन ज़रूर करना चाहिए, साल में एक दफ़ा आप लाजमी अपने काम से टाइम निकाला करें और ऐसी चीज़ों को विज़िट किया करें। और जो कुदरत ने हमें इनाम दिया है, जो खूबसूरत चीज़ें, जो खूबसूरत शहर, जो खूबसूरत मकामात हमारे लिए बनाए हैं, उनको विज़िट करें और उनसे लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर हुआ करें, ताकि आप जो है वो जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर दोनों तौर पर तंदुरुस्त रह सकें। जी, सेल्फ बिलीव किसको कहते हैं, किस कदर अहम है ये इंसानी सेहत के लिए? सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर सकते। आप ना तो आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, ना ही आप प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छे बिजनेस पार्टनर, एक अच्छे वर्कर, आप ना तो एक कोई भी ड्यूटी आप भरपूर तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी लेवल्स हैं, एक हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन उस हद से जब आगे, जब जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कह देते हैं, अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो भी हमें बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है, ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है बल्कि हमारी जो लाइफ होती है उसको भी बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वी आर परफेक्ट। सो हमें ये सोचना तो चाहिए कि वी आर गुड एंड वी आर यूनिक एंड वी आर परफेक्ट, बट अगर आप इसको हद से ज़्यादा इस चीज़ को अपने ऊपर आप अपने ऊपर हावी करेंगे कि मैं ही परफेक्ट हूँ और मुझसे ज़्यादा कोई परफेक्ट नहीं है सब कुछ, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल या सेल्फ बिलीफ आपका इतना लो लेवल पर होगा कि आप बिल्कुल ही छोटी बात करने पर घबराएंगे और ये सोच कर बात ही नहीं करेंगे कि मैं बात करूँगा तो पता नहीं या किस तरह का रिएक्शन आएगा, क्या मैं सही बात कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो आप छोटी सी भी बात करने के लिए हिचकिचा रहे हैं और आपको बात बात पर किसी की ज़रूरत पड़ी कि कोई आए और आपकी बात को आगे कन्वे करे या आपके काम में आपकी हेल्प करे, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं अच्छी होती। तो अपने अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा करें, खुद पर यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको यूनिक पैदा किया है। आप देखें कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी की भी मिला लें तो मैच नहीं होते, तो ऑब्वियसली अल्लाह ने आपको यूनिक पैदा किया है कि कोई ना कोई खसूसियत आपके अंदर रखी है। तो बजाय इसके कि आप जो है वो खुद इत्मादी अपने अंदर पैदा करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें, सेल्फ बिलीफ अपने अंदर पैदा करें, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास विजिट नहीं करते, उनके दिल में ये खौफ होता है कि कहीं लोग हमें पागल ना कहें, तो इसकी क्या वजूहत है कि लोग उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर क्या ऐसा खौफ है कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट नहीं करना चाहते? बिल्कुल ऐसा है जो आपने सवाल किया है, बिल्कुल ठीक है कि हमारे अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास विज़िट करने को यूँ कह लें कि गुनाह समझते हैं या अपनी तौहीन समझते हैं, ये यूँ समझते हैं
के लोग उनको पागल ना कह दें। तो ये एक खौफ मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ माशरे के 70-80% लोग हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि डिप्रेशन का शिकार तो होते हैं, जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार तो हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते। उसकी वजह से वो जब उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, वो जब उसका हल नहीं निकालते, तो फिर वो मज़ीद जो है वो उनका डिप्रेशन का लेवल बढ़ता चला जाता है और फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो एंड लेवल पर वो ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो जिस तरह आपके जिस्मानी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज़्यादा आपकी मेंटली हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब तक मेंटली परफेक्ट नहीं होंगे, मेंटली आप नहीं होंगे, तब तक आप कहीं कोई भी काम नहीं कर सकते। आपका ब्रेन जब तक काम नहीं करेगा, ठीक है, आपके मेमोरी लॉस हो रहा है, तो ये भी एक मेंटली डिसऑर्डर में आता है कि आपका क्यों मेमोरी, आपको याददाश्त आपकी खोती जा रही है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आप कुछ टाइम कुछ खाते हैं आप भूल जाते हैं आपने क्या खाया, आप कुछ कोई चीज़ रखते हैं आप भूल जाते हैं आपने कहाँ रखी, तो ये सारी चीज़ें आपके मेंटल डिसऑर्डर में आ रही हैं। तो आप जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, जैसे हम अपने फिज़िकल ट्रीटमेंट के लिए, फ़िज़िकल चेकअप के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम अपने मंथली टेस्ट करवाते हैं कि हमारे अंदर किसी चीज़ की कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही, या हमें किसी किस्म का कोई मसला या कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। तो इसी तरह मैं आप सबको ये मशवरा दूँगी कि आप लोग मंथ में एक दफ़ा ज़रूर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को विज़िट किया करें, ताकि आप वहाँ पर प्रॉपर चेकअप करवा सकें, वो आपकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें, उससे आप जो हैं वो मोटिवेट भी होंगे, उससे आप बेहतर भी फील करेंगे और आप परफेक्ट भी रहेंगे। और अगर आपके अंदर कोई ऐसी मेंटल डिसऑर्डर पाई जा रही है, तो वो उसको एनालाइज करेंगे, वो उनको प्रेडिक्ट करेंगे और फिर वो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि आप फिल वक्त उसी वक्त जो है अगर आपके अंदर कोई ऐसी डिज़ीज़ है तो उसको क्योर किया जा सके और बिल्कुल आप तंदुरुस्त हो सके। सुसाइड की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? सुसाइड की भी जो मेन रीज़न है वो यही होती है कि डिप्रेशन हमारा बहुत हद तक चला जाता है। जैसे मैंने बात की है कि लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जब विज़िट नहीं करते, या लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, फ्रेंड्स के साथ नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते, अपने इमोशंस को जब आप सप्रेस करते रहते, तो वो एक दबाव, आप देखें कोई एक चीज़ है, कोई भी एक मशीन है, कुछ भी है, तो आप उसके ऊपर लगातार प्रेशराइज उसको करते रहेंगे, प्रेशर डालते रहेंगे, तो वो आखिर कितना टाइम बर्दाश्त करेगी। हम अपनी फिज़िकल हेल्थ को ही देख लें, अगर हम जो है वो डेली जंक फूड्स खा रहे हैं, या डेली कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमारी सेहत को मुतासर कर रही हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि हम बीमार हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो उसी तरह जब आप अपने मेंटल, आप अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं कर रहे, आपके अंदर जो इमोशंस हैं आप उनको बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप अंदर ही अंदर उसको सप्रेस कर रहे हैं, आप इमोशंस का इजहार ही नहीं कर रहे, फीलिंग्स का इजहार ही नहीं कर रहे, तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग को मुतासर करती हैं और फिर आप जो हैं वो इस तरफ चले जाते हैं कि आप सुसाइड करने लगते हैं। उसमें हमारा जो हमारी फैमिली है, जो हमारी फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत ये अहम रोल प्ले करती हैं कि हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, वो हर चीज़ अपनी शेयर कर लेते हैं, वो चीज़ भी बहुत नुकसानदेह होती है। हर किसी के साथ हर चीज़ जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए, एक प्राइवेसी भी होती है, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना करें, किसी ना कोई, और आपके पेरेंट्स, आपके पास अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, आप वो आपके ना सिर्फ पेरेंट्स भी हैं बल्कि आपके दोस्त भी हैं, आपके टीचर्स हैं, आप उनसे शेयरिंग करें, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, ये जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप कुछ देर बैठ के अपनी डेली रूटीन को शेयर करें उनके साथ। उससे ये होता है कि जब आप डेली रूटीन अपनी शेयर करते हैं, आपको बहुत सारी सजेशंस मिलती हैं, आप एक तरह से रिलैक्स फील करते हैं, तो आप डिप्रेशन आपका ख़त्म हो जाता है। तो आप सुसाइड से बहुत हद तक, कुछ लोग हैं जैसे मैंने बात की कि वो नहीं बात करते, तो फिर उनकी वो खुद को तन्हा रख के उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स इतनी हद तक पैदा हो जाती हैं कि वो फिर उनको लगता है कि अब वो नहीं सर्वाइव कर सकते, वो जी नहीं सकते, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में, बहुत ऑप्शंस होते हैं, किसी भी चीज़ के ख़त्म होने पर, किसी भी फेलियर पर हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी एक अल्लाह का इनाम है, तो उसको प्रॉपर तरीके से जो है हमें उसको इंजॉय करना चाहिए, उसको जीना चाहिए, ना कि आप ये सोचें कि अब आपके पास कोई चारा ही नहीं है और अपनी जान ले लें, तो ये बहुत जो है वो स्वेयर किस्म के। और अगर मैं बात करूँ सुसाइड की जो रेशो है वो आजकल तुलबा में बहुत ज़्यादा हो रही है, वो उसकी क्या वजूहत हो सकती है? कि उनका रिजल्ट सही नहीं आता, अक्सर औकात देखने में आता है कि हालांकि नंबर भी अच्छे हुए होते हैं, उनके ग्रेड्स भी आए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुदकुशी कर लेते हैं।
जी बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके अंदर भी ये खौफ, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को लेकर डिप्रेस होते हैं बहुत ज़्यादा, कि स्पेशली अगर मैं एमडी कैट की बात करूं या मैं कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की बात करूं तो आए दिन हमें ये नज़र आ रहा होता है कि आज उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, आज पेपर्स में रिजल्ट ना अच्छा आने पर उस बच्चे ने। तो इसमें यह है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस करूँगी कि काइंडली अपने बच्चों को टेम्पर ना करा करें, अपने बच्चों को प्रेशराइज ना किया करें कि आप जो हैं वो डॉक्टर ही आपने बनना है या आपने इंजीनियर ही, या उनको उनको उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फेलियर और सक्सेस अपने ज़िंदगी में साथ साथ चलती है, अगर आप कहीं पर फेल भी हो गए हैं या आपने जो एक्सपेक्ट किया वो आपको नहीं मिला तो उस पर आपको जो है वो दिल शिकस्ता नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट आपको एक नई उम्मीद वहाँ से बांध लेनी चाहिए। वो कहते हैं ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, बार बार कोशिश करेंगे तो एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर जब आप पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर पैदा करेंगे, काउंसलिंग आपकी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब आप किसी काउंसलर के साथ बैठते हैं और जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठते हैं, जब आप किसी साइकेट्रिस्ट के साथ बैठते हैं तो वो उनकी जो बात होती है, उनकी जो डिस्कशन होती है उसके आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। उससे ये होता है कि अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स होती हैं, डिप्रेशन होता है, तो वो खुद ब खुद आपके माइंड से रिमूव हो जाता है और आप एक तरह से रिलैक्स फील करने लगते हैं, फिर कोई सुसाइड आप नहीं करते और सुसाइड हर तरह से आप सुसाइड से दूर रहते हैं। तो मैं भी आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग भी अपने आप को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें, साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करें और ख़ुद भी आप जो है वो खुद को खुद मोटिवेट रखें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि वो कोई भी हमारा साथ छोड़ दें लेकिन अल्लाह साथ नहीं छोड़ता, तो अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से इंजॉय करें। जी हम किस तरह से माशरे से खुदकुशी के रुझानात को कम कर सकते हैं, क्या ये इसका खुदकुशी का रुझान जो है ये मुमकिन है कि नहीं? बिल्कुल, ख़ुदकुशी के रुझान को हम कम कर सकते हैं और ये हर तरह से मुमकिन भी है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, लेकिन उसमें हर फर्द का किरदार है। जैसे अगर मैं मुल्क की तरक्की की बात करूं तो हर फर्द का किरदार उसमें बहुत मायने रखता है, मुल्क तभी तरक्की करता है जब हर फर्द उसके लिए एफ़र्ट्स करता है। तो इसी तरह हम अपने मुआशरे से किसी बुरी चीज़ का खात्मा भी तभी कर सकते हैं जब हर फर्द उसके लिए कोशिश करता है। जब एक 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 ईंट करके हम पूरा मकान खड़ा कर सकते हैं तो एक एक फ़र्ज करके हम क्यों नहीं उसका खात्मा कर सकते। हमें पहले खुद पॉजिटिव होना पड़ता है, हम खुद अपने डिप्रेशन को, अपने एनजाइटी को ख़त्म करें और हम जो है वो खुद को खुद मोटिवेट करें, देन फिर हम एक करेंगे, हम फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, उन हमारी बातों से वो मोटिवेट और पॉजिटिव हो जाएंगे, वो कुछ अपने आगे फ्रेंड्स के, तो आगे से आगे आपका सर्कल बढ़ता रहता है, आगे से आगे आपकी वो चीज़ स्प्रेड होती रहती है और फिर एक दिन इंशाल्लाह ऐसा भी होता है कि मुआशरे से ये सारी चीज़ें का जो है वो खात्मा हो जाता है। हाँ, इसका अगर खात्मा मुश्किल भी है तो हम इसको इसकी रेशो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उसके लिए जो है वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट वर्किंग इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमें ये चाहिए कि हम जो है काउंसलिंग से रिलेटेड डिफरेंट सेमिनार्स करवाएँ जहाँ पर बूढ़े बच्चे जवान हर किसी को आए, हर किसी को आने की इजाज़त हो और उनको अवेयरनेस दी जाए कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना और किस तरह से अपनी जो इमोशंस हैं या अपने डिप्रेशन को जो है वो आप उन्होंने ओवरकम करना है। बच्चों की शख्सियत में माँ बाप का कितना किरदार है, क्या रोल है माँ बाप का? बच्चे की शख्सियत में माँ बाप का एक बहुत अहम किरदार होता है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो ओबियसली अपनी पेरेंट्स से ही वो हर तरह से हर चीज़ सीखता है। तो अगर उसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देंगे या अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ शफ़क़त नहीं बरतेंगे या उसको सही गलत का नहीं बताएंगे तो जो है वो उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो एक ना समझ, उसने जो सीखना है उसने अपने घर से ही सीखना है। जैसा कि पहली दरसगाह माँ की गोद होती है बच्चे की, ऐसे ही है, उसने माँ से सीखना है, उसने घर से सीखना है, उसने अपने इंस्टीट्यूट अपने उस्तादा से सीखना है। तो अगर आप पेरेंट्स होते हुए अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, जैसे अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली हमें अगर पहले ये था कि महंगाई इतनी नहीं थी तो घर में कोई एक फ़र्द भी अगर कमा रहा था तो बहुत अच्छा सर्कल हो जाता था, लेकिन अब महंगाई की वजह से ऐसा है कि घर में बहुत सारे लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है या कुछ ना कुछ बरसर
सारे रोज़गार अपना बनाना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो घर सर्वाइव कर सकें। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग करें और हम जो है वो बच्चों को प्रॉपर टाइम दें ताकि वो हर तरह से जो है वो ज़हनी दबाव से, ज़हनी प्रेशर से, हर तरह की मेंटली डिसऑर्डर से, हर तरह की बीमारी से, ज़हनी अमराज से दूर रहें। ये बताइएगा कि तहसीस क्यों ज़रूरी है? कैथारसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैथारसिस में ये है कि कैथारसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत इजी है, जिसके लिए आपको किसी भी हॉस्पिटल विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। कैथारसिस आप कहीं पर भी बैठे कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं, अगर आप उनसे हर तरह से अपनी इमोशंस को शेयर करते हैं तो ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली आप जो है वो कैथारसिस आपका हो जाता है। उससे ये होता है कि आप अगर आप डिप्रेशन में हैं या अगर आप सैड हैं तो आप थोड़ा सा रो लेते हैं, अगर आप खुश हैं तो आप हंस लेते हैं, आप अपने इमोशंस का इजहार करते हैं, आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते और आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से बैठ कर बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, आउटिंग्स कर रहे हैं, हैंगिंग्स कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कैथारसिस जाता है और आप फिर कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। हर तरह से आप डिप्रेशन से, एग्रेशन से या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से दूर रहते हैं। क्या तालीमी इदारों में तुलबा की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है? इनके लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, तालीमी इदारों में बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग की जाए और काउंसलिंग करने के लिए वहाँ पर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को अपॉइंट किया जाए, जिससे बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर सब्जेक्ट का अपने प्रोफेसर हैं, हर सब्जेक्ट के अपने टीचर हैं, हर सब्जेक्ट में जिन्होंने स्पेशलाइजेशन। तो इसी तरह से ज़रूरी है कि काउंसलिंग के लिए भी वहाँ पर कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट वहाँ पर मौजूद हो जो कि प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करें। जैसे अगर हम उनकी काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दें या अगर हम उनके लिए डिफरेंट सेमिनार्स जो है वो अरेंज करवाएं, तो इससे ये होगा कि एक तो तुलबा जो है वो स्टडीज़ के हवाले से भी मोटिवेट रहेंगे, उनको जो है वो प्रोफेशनल वे में भी वो मोटिवेट रहेंगे, आगे बहुत अच्छा उनका यूँ कह लें कि उनकी सेहत पर, उनकी जिस्मानी मेंटली दोनों सेहत पर बहुत अच्छा असरअंदाज करेगा ये सब, और उसके साथ साथ सुसाइड की भी रेशियो बहुत हद तक कम हो जाएगी। तुलबा जब मोटिवेट रहेंगे, जब उनके पास काउंसलर होगा, वो अगर किसी घर में अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से किसी से शेयरिंग नहीं कर सकते तो वो काउंसलर के पास जाकर अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, वो उसको प्रॉपर गाइड कर सकता है, प्रॉपर उसको काउंसलिंग दे सकता है। तो हर तरह से वो जब मोटिवेट रहेगा तो हर तरह से सुसाइड से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से वो हर तरह से दूर रहता है। जी, हुकूमत को डिप्रेशन और बढ़ती हुई दिमागी अमराज को रोकने के लिए और खुदकुशी के शराह को कम करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? हुकूमत एक बहुत, किसी भी अगर मैं माशरती या मौशी किसी भी इदारे में किसी भी काम की बात करूं तो हुकूमत का एक बहुत रोल होता है, एक बहुत अहम किरदार होता है। इसी तरह यहाँ पर भी हुकूमत एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है, जो कि अगर मैं मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत हद तक कम है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के अलावा दूसरे अदर ममालिक की, दूसरे ममालिक की या अदर कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर यह बहुत चीज़ है। तभी हमें वहाँ पर आए दिन सुसाइड नहीं सुनने को मिलता, आए दिन हमें ये नहीं सुनने को मिलता कि ये शख्स डिप्रेशन का शिकार है या ये शख्स ने सुसाइड कर लिया है। वो इस वजह से कि वो प्रॉपर अपनी आवाम को काउंसलिंग दिलवाते हैं, वो प्रॉपर सेमिनार्स, जैसे 14 अगस्त पे एक इवेंट का जो है वो एहतमाम किया जाता है, जैसे 23 मार्च को किया जाता है, जैसे डिफरेंट जो है वो डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, इसी तरह मेंटल हेल्थ डे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके साथ साथ डिफरेंट नेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स को अरेंज करवाना चाहिए जो कि ना सिर्फ तलबा के लिए और यंग जनरेशन के लिए, यंगस्टर्स के लिए हो, बल्कि उसके अंदर बूढ़े, बच्चे, हर कोई शामिल हो और वहाँ पर प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, उनकी काउंसलर्स को बुलाया जाए, मेंटल हेल्थ के हवाले से उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको बताया जाए कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना है, किस तरह से उनका क्या रोल है, मेंटल हेल्थ जो है वो कितना उनको, उनकी ज़िंदगी में मायने रखती है और जो है वो किस तरह से अपने आप को खुश रख सकते हैं, किस तरह से अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाए जो कि अपनी शेयरिंग के थ्रू उनको मोटिवेट कर सकें, उनको समझा सकें। इस तरह यह होगा कि लोगों के अंदर जब
अवेयरनेस पैदा होगी तो उनका ये खौफ भी ख़त्म हो जाएगा कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाना किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है या उसमें खौफ खाने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि वो आपकी मेंटली हेल्थ में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो ये सारे जब खौफ ख़त्म होंगे और लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी तो हर तरह से जो है वो इन सारी चीज़ों का हमारे मुआशरे से खात्मा हो जाएगा। जी जी नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने हमें आगाह किया कि इंसानी ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये एक ही दफ़ा इंसान को मिलती है, तो इसको हम क्यों ना अपने खूबसूरत अंदाज से हम इसको जिए। पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मुल्क है, हम खूबसूरत जगहों पे विज़िट करें, तरह तरह के अच्छे अच्छे मनाजिर पे जाएं और जो है अपनी ज़िंदगी को इस तरह से इंजॉय करें। यही वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। आपको एन न्यूज़ के नाजरीन को इस तरह के प्रोग्राम से काफ़ी सारी आगाही मिलती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगहबान।